स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तराखंड में खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में समूह ख और ग के लिए अंतर्गत कई रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने 31 मार्च 2022 तक अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क न लिए जाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बाद भी आवेदन करने वाले छात्रों से शुल्क लिया जा रहा है और ऐसे में सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों से 975 रुपये शुल्क लिया जा रहा है। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों से 875 रुपये परीक्षा शुल्क लिया जा रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष कौर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या ये पूरा मामला है? जी बिल्कुल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी घोषणा की थी, खासतौर से उन युवाओं के लिए जो रोजगार की तलाश में सरकारी भर्तियां भरते हैं। उन्होंने कहा था कि जो छात्र हैं वो अपना शुल्क अब जमा नहीं करेंगे, यानी कि कोई भी परीक्षा के लिए यदि वो फॉर्म भरते हैं तो 31 मार्च 2022 तक उनसे कोई भी आवेदन शुल्क सरकार की तरफ से नहीं लिया जाएगा। लेकिन अभी एक ताजा मामला सामने आया जिसमें उत्तराखंड के विधानसभा में कई भर्तियां निकाली गई थी, जिसको भरते हुए जो युवा थे वो ये सोच रहे थे कि उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना करते हुए विधानसभा में जो भर्तियां की जा रही है उसमें शुल्क लिया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर जो छात्र हैं उनसे लगभग 975 रुपए शुल्क आवेदन के तौर पर लिया जा रहा है। हालांकि ऑनलाइन फॉर्म जरूर इसमें सबमिट किए जाते हैं और ऑनलाइन ही जो शुल्क है वो लिया जाता है। वहीं अगर बात की जाए तो अनुसूचित जनजाति जनजाति के जो छात्र हैं उनसे 875 रुपए लिया जा रहा है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की जो घोषणा थी, मुख्यमंत्री ने जो बात कही थी उसको कहीं ना कहीं उत्तराखंड विधानसभा नहीं मानता और यही कारण है कि उत्तराखंड विधानसभा में जो भर्ती आई है उसमें शुल्क लिया जा रहा है। जी बिल्कुल सुभाष, और इस बात का आखिरकार खुलासा कैसे हुआ और अब तक कितने छात्र ऐसे हैं जिनसे पैसे लिए जा चुके हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि ये कुल मिला के कहा जा सकता है कि ऑनलाइन परीक्षा तो नहीं लेकिन ऑनलाइन फॉर्म जरूर यहाँ भराए जा रहे हैं और ऑनलाइन फॉर्म में जितने भी छात्र आवेदन कर रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं शुल्क लिया जा रहा है, उसके बाद ही उनका फॉर्म सबमिट हो पा रहा है। कुल मिला के अभी ये साफ नहीं कहा जा सकता कि आखिरकार कितने छात्र हैं जिन्होंने अपने फॉर्म जमा करा दिए, लेकिन जो भी छात्र अपने फॉर्म जमा कराना चाहता है, आवेदन करना चाहता है, उसको शुल्क भरना पड़ रहा है। जी जी ठीक है, चलिए सुभाष आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देहरादून का पूरा मामला है जहां पर विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है और ऐसे में छात्रों से आवेदन के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि छात्रों से पैसे नहीं लिए जाने चाहिए, लेकिन उसके बाद भी पालन नहीं करते हुए मुख्यमंत्री के आदेश का ये पैसे छात्रों से लिए जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से उद्धम सिंह नगर पुलिस सतर्क हो चुकी है। जिले के एसएसपी ने एक बयान जारी किया है और जारी बयान में कहा कि ये जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और जो लोग दुर्घटना में अकाल मृत्यु जिन लोगों की हो गई है उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहा हूँ और इस घटना के संबंध में सूचनाएँ आ रही हैं जिसमें लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है और इस पर उद्धम सिंह नगर पुलिस पैनी नज़र बनाए हुए है। बसपा के पूर्व विधायक मोहम्मद शहजाद ने लक्सा विधानसभा क्षेत्र पहुंचकर लोगों से जनसंपर्क किया और सिद्धड़ू गांव पहुंचने पर ग्रामवासियों ने ढोल नगाड़े बजाकर और फूल मालाओं से मोहम्मद शहजाद का स्वागत किया। मोहम्मद शहजाद ने गांव पहुंचकर सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का पर माल्यार्पण किया और इसके बाद मोहम्मद शहजाद ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आज देश को बेचने का काम कर रही है और आज देश की जनता को एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जो हालात देश में बीजेपी सरकार ने उसके विधायकों ने पैदा किए हैं उनसे निपटने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा।
हालात बद से बदतर हैं, पूरा देश आज बिक्री में निकाल दिया गया है। तो ये लड़ाई जनमानस की लड़ाई है, किसी एक आदमी की लड़ाई नहीं है। मुझे तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से अवगत कराना है, लड़ाई तो आम जनता अपने आप स्वयं लड़ लेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। चमोली के विकास खंड दशौली ग्राम पंचायत बेम्बरू के ग्राम कुलियाला गांव में क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग से स्कूली बच्चों के साथ ग्रामीणों को स्थानीय बाजार और अन्य गांवों में आने जाने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सड़क विष्णुगंज पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना की कार्यदायी संस्था की TCDC की तरफ से बनाई गई थी। वहीं एक महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, ग्रामीणों ने सड़क मार्ग और पैदल संपर्क मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की सूचना ठीक करने के लिए जिला प्रशासन से कई बार गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। आज भी यहाँ के ग्रामीण और स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर आगमन कर रहे हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप चमोली की, किस तरह से जो है सड़कें अभी तक नहीं बनी हुई हैं, और ऐसे में जो छोटे छोटे स्कूली बच्चे हैं और जो ग्रामीण हैं वो इस तरह के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हैं। पीपलकोट से कैमिली गुजारा तक जो है TIDC की जो सड़क है वो विगत 4-5 सालों से टूटी हुई है। अब TIDC से बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि ये सड़क का जो है आप जो है सुधारीकरण करें, PWD को देना, तो PWD इस पर कार्रवाई करे, नहीं TIDC इस पर कार्रवाई। यहाँ पर बच्चों को आने जाने के लिए, ग्रामीणों को आने जाने के लिए काफ़ी समस्याएँ हो रही हैं, जिससे कि बच्चों को और ग्रामीणों को जान माल का खतरा बना हुआ है। ये क्वेश्चन ऊपर मडगांव के नीचे से बराबर फूट हो रहा है, और हमने प्रशासन से पिछले कई 3-4 सालों से बराबर इस संबंध में कार्रवाई के लिए कहा गया, मगर अभी तक TIDC और PWD प्रशासन गांव वालों के साथ हेले हवाले कर रहे हैं, नहीं इस सड़क का ट्रीटमेंट करें, नहीं यहाँ पे जो है कोई दीवार या ब्रेस्ट वाल या वहाँ पे कोई चेक डैम की व्यवस्था की जा रही है। डोईवाला में SPD फिटनेस हब एंड स्पोर्ट्स भानियावाला की तरफ से आयोजित ताइक्वांडो बेल्ट प्रमोशन सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम चरण का कोर्स पूरा कर चुके लगभग 80 बच्चों को आगे प्रमोट किया गया और उनको प्रशिक्षित पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। बता दें कार्यक्रम में मुख्य रूप से ताइक्वांडो का प्रदर्शन, योगा और डांस का कार्यक्रम भी रहा, जिसमें सैकड़ों ग्रामीण भी कार्यक्रम में भागीदार बने। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व BJP युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ थपलियाल शामिल रहे। साथ ही संस्थान के संस्थापक पवन बिजलवान ने बताया कि संस्थान में 300 से ज्यादा छात्र प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसमें से 80 बच्चों को संस्थान निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा है। ऐसे में संस्थान में ताइक्वांडो के साथ ही योगा, डांस और उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम भी कराए जाते हैं, जिससे कि उत्तराखंड की संस्कृति से बच्चे रूबरू होते रहें, साथ ही अपनी फिटनेस का भी बेहतर ख्याल वो रख सकें। आज प्रस्तुतिकरण यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों द्वारा किया गया, और निश्चित तौर पे इस क्षेत्र में जो युवा हैं वो खेलों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे उनके पेरेंट्स आए हुए हैं, और एक खेल भावना का विकास बच्चों के अंदर आता है तो निश्चित तौर पे क्षेत्र को हर तरीके से मजबूती मिलती है। स्वस्थ शरीर उनका बनेगा तो स्वस्थ मानसिकता बनेगी, नशे से दूर रहेंगे और मिलजुल कर रहेंगे, एकता बढ़ेगी। मैं तो पहले ही बताना चाहूँगा कि जो मेरे को पे कर रहे हैं वो लगभग मेरे 250 से 300 बच्चे हैं, और जो मुझे पे नहीं करते हैं, जो हमारी एकेडमी की तरफ से होता है, हम उन लोगों से अर्न करते हैं, तो कई लोगों को फिर उसके साथ बेनिफिट भी देते हैं। तो 70 से 80 बच्चे ऐसे हैं सर, जिन लोगों को हम अभी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं, और आगे चल के हमारा ये उत्तराखंड के अंदर हर ज़िले के अंदर हमारा टारगेट है कि हम हर ज़िले से बच्चों को लाएँ और इस तरीके से उनको खिलाएँ आगे। लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की मौत के बाद उद्धम सिंह नगर जिले में किसान नेता, व्यापारी और किसान संगठन जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पाचपुर और गदरपुर में चक्का जाम कर दिया था, जिसके बाद जिले के SSP ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। वहीं आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ किसानों की मौत हो गई थी, तो वहीं कुछ किसान घायल भी हुए हैं, जिसमें रुद्रपुर से विरोध प्रदर्शन में पहुंचे किसान नेता तेजेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसको लेकर घटना के बाद से ही तमाम राजनीतिक और किसान संगठन से जुड़े लोग सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। इसको देखते हुए उद्धम सिंह नगर के SSP दलीप सिंह कुंवर का कहना है कि किसी के बहकावे में ना आए, जिससे उन्हें बाद में पछतावा हो। हमारे
जनपद लखीमपुर खीरी में आज दिन में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। उस घटना में अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई आत्माओं की शांति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। घटनाक्रम के संबंध में सोशल मीडिया पर विभिन्न स्तरों से लोग पोस्ट डाल रहे हैं, जिनमें से कुछ पोस्ट भ्रांतिपूर्ण भी हैं। जनपद में निवासरत सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि कृपा करके जिस प्रकार का सहयोग आपका पूर्व रहा है, उसी तर्ज पर आप हमको सहयोग प्रदान करेंगे। जो भ्रांतिपूर्ण पोस्ट लोग डाल रहे हैं उसके बहकाव में न आए, किसी भी प्रकार के हिंसात्मक गतिविधियों में संलिप्त न हों। जनपद में शांति व्यवस्था भंग करने वाली गतिविधियों में संलिप्त न हों। सोशल मीडिया में पोस्ट हो किए जा रहे अलग अलग संदेशों के हम लोग बहुत गहनता से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मेरा आप सभी लोगों से पुनः निवेदन है कि कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कल पछतावा हो। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई हिंसा से मामला गर्मा गया है। उत्तराखंड के डोईवाला में भी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गौरव चौधरी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर पुतला फूंका गया। इसके साथ ही सरकार विरोधी नारेबाजी कर अपना आक्रोश व्यक्त किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरव चौधरी ने कहा कि जब सरकार किसानों के आंदोलन को नहीं दबा पाई तो उनके नेताओं के बेटे गाड़ी से किसानों को कुचल रहे हैं। ये निंदनीय है और कांग्रेस इसकी कठोर निंदा करती है। तो आपको बता दें डोईवाला में भी लखीमपुर खीरी के बाद विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर देश भर में इस समय गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में उत्तराखंड में भी डोईवाला में कांग्रेस की तरफ से सरकार का विरोध किया गया और ऐसे में पुतला भी फूंका गया और इस पूरी घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन अपना कांग्रेस ने दर्ज कराया है। पूर्ण रूप से किसानों के साथ खड़ी और जिस तरह से कल किस गाड़ी से कुचलकर भाजपा नेता जो राज्य गृह मंत्री हैं केंद्र सरकार के, उनके लड़के ने गाड़ी से कुचल के लगभग 8 किसानों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं, इसकी कांग्रेस निंदा करती है और कांग्रेस पूर्ण रूप से किसानों के साथ खड़ी है। और अगर भाजपा की सरकार ये सोचती होगी वो इस तरह की हरकतें करके किसानों को या इस देश की जनता को डरा देगी तो अपनी गलतफहमी अपने निकाल दें। हम पूर्ण रूप से किसानों के साथ खड़े हैं और इसका जवाब उनको दिया जाएगा। आज देश में किसान विरोधी सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है और सबने देखा कि कल क्या हुआ देश में। बहुत ही निंदनीय घटना घटी है। देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने कैसे किसानों को कुचल दिया, इसी के रोष में आज डोईवाला क्षेत्र में कांग्रेस संगठन के सभी साथी यहाँ एकत्रित हुए और भाजपा सरकार का पुतला फूंका। और हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि ये जो किसान है, देश का जो किसान है, वो सरकार से डरने वाला नहीं है। वो प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अगर किसानों के खिलाफ जो ये कार्रवाई जो कल किया गया, किसानों को कुचलने का जो काम किया गया, उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो ये आंदोलन है, ये पूरे देश में सड़क पर निकलकर गांव-गांव पर निकलकर किसान इसका विरोध करेंगे। देखिए जिस प्रकार से ये घटना किसानों के साथ हुई है, 5-8 किसानों की मौत हुई है, उसकी हम निंदा करते हैं। और हमारे नेता जब वहाँ घटना स्थल पर जाते हैं लोगों का दुख दर्द जानने और ये सरकार उन्हें गिरफ्तार करने का काम करती है तो ये सरकार होश में आ जाए। अगर इन्होंने किसानों के साथ अन्याय बंद नहीं किया तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा, फिर भाजपा के नेताओं को घेर घेर कर उनके घरों से निकलने नहीं दिया जाएगा। पौड़ी गढ़वाल के कालजी खाल ब्लॉक में आज ग्राम सभा टगरौली में शहीद रणवीर सिंह आर्य के नवनिर्मित स्मारक के लिए सम्मान समारोह रखा गया, जहां छात्र संघ उपाध्यक्ष विमल कुमार की तरफ से शहीद स्मारक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। बता दें विमल ने बताया कि रणवीर आर्य चुनाव ड्यूटी के दौरान जम्मू में शहीद हुए थे, जिनकी याद में टंगरौली गांव में उनका स्मारक बनाया गया है, जिसके चलते ग्रामवासी लंबे समय से प्रशासन से गुहार लगा रहे थे। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में NSUI जिलाध्यक्ष गौरव सागर ने कहा कि रणवीर आर्य का सर्वोच्च बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। आज हमारी ग्राम सभा में शहीद स्मारक सम्मान समारोह रखा गया। सन 1999 में जब जम्मू कश्मीर के बारामूला क्षेत्र में श्री रणवीर सिंह आर्य चुनाव ड्यूटी दे रहे थे, उस समय
आतंकवादियों के हमले में उनकी उनको शहादत प्राप्त हुई थी। आज हमारे गांव में उनका स्मारक बना है जिसके लिए हमने सम्मान समारोह रखा, और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा समस्त सब ग्रामवासियों का जिनने इसमें अपना पूरा योगदान दिया, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुए किसानों के साथ दर्दनाक घटना के विरोध में जहां पूरे देश में किसानों में उबाल देखने को मिल रहा है, तो वहीं डोईवाला में भी किसानों ने भारी संख्या में गुरुद्वारे में एकत्रित होने के बाद डोईवाला बाजार में रैली निकाली और सरकार के विरोध में जोरदार नारेबाजी की। उसके बाद किसान तहसील में पहुंचे जहाँ उन्होंने उप जिलाधिकारी के जरिए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा और किसानों के हत्यारों नेताओं को फांसी देने की मांग की है। लखीमपुर की घटना जो केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे ने की, वो किसानों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटना का हम विरोध करते हैं और ऐसे आदमी तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हैं। और किसानों के जहाँ शोषण हो रहा है, अब ये देख लीजिए किसानों को किस तरह मारा जा रहा है। अभी करनाल की बात देख ली, वहाँ सिर फोड़ने की बात SDM ने की थी। दूसरा ये केस लगातार बढ़ता जा रहा है, किसान आक्रोशित है। आज हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे यहाँ पर डोईवाला में भी, हम लोग किसान संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में। हमें देखने में आया किसान की सुनने में नहीं आ रही है, हिटलर साहिब में मोदी सरकार आ गई है, अब हमारी आर पार की लड़ाई होने जा रही है। हम चाहते हैं कि भाई हमारे जल्द से जल्द जो तीन काले कानून वापस हों और जो भी ये घटना हो रही है इसकी जांच की जाए और दोषियों को सजा दी जाए। निंदनीय घटना हुई है जो यूपी के लखीमपुर खीरी में भाजपाई जो मंत्री हैं केंद्रीय राज्य मंत्री उनके पुत्र द्वारा जो किया गया, ये बड़ी निंदनीय घटना है। इस चीज़ से पता लगता है कि अब भाजपा जो है पूरी तरीके से तिलमिला चुकी है, परेशान हो चुकी है, इनके बस का अब ना ही सत्ता चलानी रही है और किसान आंदोलन की मजबूती इस चीज़ से प्रकट होती है। और हम इस चीज़ की बहुत ही घनघोर निंदा करते हैं और हम ये बात स्पष्ट शब्दों में भाजपा सरकार को, सेंटर सरकार को और जितने भाजपा के लोग हैं इनको बोल देना चाहते हैं कि इस तरह की नीच हरकतें आप बंद कर दीजिए। यदि अभी तक तो किसान शांतिपूर्वक अपनी जो है प्रदर्शन को लेकर चला है, यदि इसी व्यवहार से किसान ने रवैया अपना लिया तो आप लोगों का गलियों मोहल्लों में और शहरों में निकलना मुश्किल हो जाएगा। किसान जो हमारा पिछले 10 महीने से बैठा है, अनेकों शहीदियाँ हो गई, उसकी सुनने की बजाय ये इस तरह का घिनौना प्रमाण दे रही है, किसानों की हत्या पर उतर आई है। ये तो सीधी सीधी मैं ये कहूँगा कि अनाज हरामखोर सरकार हो गई है। जैसे नमक हरामखोर कहते हैं ना कि इसने नमक खा करके हराम कर दिया, इस सरकार ने अनाज किसान का उगाया हुआ खा करके हराम कर दिया। अनाज खा करके आँख खुलती है और अनाज उगाने वाले की हत्या कर रही है, इसकी मैं घोर शब्दों में निंदा करता हूँ। और आज डोईवाला के क्षेत्र में इतना रोष है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर पाता। और जो हमारे वहाँ शहीद हुए हैं, मैं भगवान से आपके चैनल के माध्यम से उनके लिए विनती करूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को भगवान का जो है ये हुक्म मानने का शक्ति दे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुए किसानों के साथ हादसे के विरोध में आज सितारगंज कांग्रेस में ने भी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष हरपाल सिंह, नगर अध्यक्ष कर्नल जंग, ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में केंद्र सरकार का पुतला फूंका और सरकार विरोधी नारेबाजी के बीच अपना आक्रोश व्यक्त किया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और कांग्रेस नगर अध्यक्ष हरपाल सिंह ने कहा कि जब सरकार किसानों के आंदोलन को नहीं दबा पाई तो आज उनके नेताओं के बेटे किस तरह गाड़ी से किसानों को कुचल रहे हैं, ये निंदनीय है और कांग्रेस इसकी कठोर निंदा करती है। तो आपको बता दें पूरे देश भर में गुस्सा देखा जा रहा है, सितारगंज में भी कांग्रेस की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया गया, साथ ही सरकार का पुतला फूंका गया है। ऐसे में आपको बता दें मुख्य चौक पर सितारगंज में ये विरोध प्रदर्शन किया गया है और कांग्रेस लगातार पूरे देश में इसी तरह से प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यूपी के तमाम जिलों में तो प्रदर्शन हो ही रहा है, इसके साथ साथ उत्तराखंड में भी कई जिलों में इसी तरह का कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो सितारगंज में भी आपको बता दें मुख्य चौक पर ये प्रदर्शन कर सरकार का पुतला फूंका गया है। और ऐसे में जिस तरह से लखीमपुर खीरी में जो कल कुछ हुआ उसके बाद से पूरे देश में आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है, गुस्सा लोगों में
है और किसान तो नाराज़ है ही, किसान तो विरोध प्रदर्शन कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें विपक्ष भी सरकार को पूरी तरह से घेरता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी ये विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज कराया है। उत्तराखंड के भी तमाम जिलों में इसी तरह का विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। कोनिया में लखीमपुर खीरी के पास भाजपा के सांसद और उनके पुत्र द्वारा शांति से प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर नरसंहार किया गया, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई जिसमें हमारे 3 से 4 भाई शहीद हो गए हैं। उसके प्रति हमें रोष है और इस समय भाजपा सरकार और मोदी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और किसानों की बात माननी चाहिए। जब तक नहीं मानेंगे हम ये प्रदर्शन करते रहेंगे। जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ है, सीधे सीधे उनकी हत्या की गई है, कॉन्स्पिरेसी करके उनकी हत्या की गई है। ये भारत के इतिहास में दूसरी ऐसी घटना नहीं है और मैं ये कह सकता हूँ कि जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि एक दो कार्यकर्ता मरे हैं, वो भी बीजेपी के लोगों ने इसलिए मारे होंगे। समानांतर रिपोर्ट दर्ज हो गया। किसानों को एक साल से परेशान किया जा रहा है। 500-600 किसान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से कभी भी ये बात नहीं निकली और उन्होंने हमेशा किसानों को टॉर्चर किया है। वार्ता के नाम पर झूठ बोला है। उसकी परिणति यह है कि एक बहुत बड़ा दुस्साहस में जिसमें कल 5-6 किसान फिर मारे गए। हम सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध करेंगे, हर हाल में विरोध करेंगे और किसानों को दबने नहीं देंगे, न डरने देंगे। कांग्रेस पार्टी उनके साथ। किसी भी आदमी को अपनी बात को रखने का हक है। हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर किसान अपनी किसी बात को रख रहे थे तो इन लोगों ने उनकी बात को सुनना चाहिए, ठीक है। अगर वो उनकी बात से सहमत नहीं है लेकिन वो अपनी बात को रखने के लिए जिम्मेदारी अगर ले रहे हैं तो उनको उनका बात सुननी चाहिए। नहीं तो ऐसे इस प्रकार किसी भी अगर आंदोलन का दमन करोगे तो आने वाले समय में इस देश का किसान आपको इस देश से खदेड़ देगा और सत्ता से निकाल देगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।